बोध गया भारत में बिहार राज्य के गया शहर से लगभग 12 किलोमीटर और बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर से 110 किलोमीटर की दूरी पर निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम उरुवेला था। बोध गया हवाई और रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। ये दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र और दर्शनीय स्थान है। बोध गया इतिहास और भ्रम की दृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोध गया वो परम पावन स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध को बौद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि परिसर को विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण कन्वेंशन द्वारा विश्वदाय सूची में नामांकित किया गया है। आइए महाबोधि मंदिर के परिसर में हम स्थानीय गाइड के साथ इस पावन स्थली के दर्शन करें। मेरा नाम है रामनाथ सिंह। आप सभी का भगवान के बुद्ध की ज्ञान स्थली पर स्वागत है। इस मंदिर का नाम है महाबोधि मंदिर। आज से लगभग 2325 साल पहले मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक मौर्य ने यानी 268 और 232 ईस्वी पूर्व इस मंदिर का निर्माण किया था। इस बात का प्रमाण है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किया गया ये प्रवेश द्वार और इस क्षेत्र में पाया गया अशोक स्तंभ। प्रवेश द्वार का ये बाएं हाथ का ढांचा उसी समय का है और बाकी हिस्सा दोबारा पुनः निर्मित किया गया है। अशोक स्तंभ का ऊपरी ढांचा यानी सिंह की मूर्ति आज कोलकाता के अजायब घर में रखी हुई है। कहते हैं सम्राट अशोक ने इस मंदिर का निर्माण केवल 30 फीट का किया था। 590 साल बाद 335 ईस्वी में यानी आज से 1678 साल पहले गुप्ता साम्राज्य के समुद्रगुप्ता ने इस मंदिर की ऊंचाई 130 फीट की कर दी, जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 870 साल बाद यानी आज से 808 साल पहले 1205 ईस्वी में नष्ट कर पूरे प्रांगण को मट्टी से भर कर ढक दिया था। ये पत्थर पर नक्काशी भगवान बुद्ध की पदचिन्ह की है, जिसे 2325 साल पहले सम्राट अशोक ने अपनी कल्पना से बनवाई थी। सामने ये आप जो देख रहे हैं ये हिंदू धर्म की अन्नपूर्णा देवी है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है नक्काशीदार भगवान बुद्ध की मूर्ति। इस मूर्ति को बंगाल के पाल वंश के राजा महिपाल ने काले पत्थर से बनवाई थी। मूर्ति पर आज सुनहरे रंग की पर्थ चढ़ी हुई है। गर्भगृह में भगवान बुद्ध के सामने है एक शिवलिंग। कहते हैं सम्राट अशोक ने जब इस मंदिर का निर्माण किया शिवलिंग इसी स्थान पर थी। अशोक ने उसे वहीं व्यवस्थित कर रहने दिया। ये आप जो देख रहे हैं ये हैं मन्नत स्तूपे। इस प्रकार के यहाँ प्रांगण में 450 स्तूपे पाए जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र में भगवान बुद्ध को 18 ज्ञानोदय मिलने के बाद में एक हफ्ता यानी 7 दिन 7 दिन करके पूरे प्रांगण में भगवान बुद्ध ने 7 चिंतन किए थे, यानी पूरे 49 दिन चिंतन करने के बाद वो सारनाथ चले गए। पहला हफ्ता बोधि वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान बुद्ध को संपूर्ण ज्ञान उदय मिला था। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें चिंतन करने का स्थान उस तरफ, छठे और सातवें चिंतन हफ्ते का स्थान इस तरफ। चलिए हम बोधि वृक्ष की ओर चले। ये बोधि वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे आज से लगभग 2600 साल पहले भगवान बुद्ध को संपूर्ण ज्ञान उदय प्राप्त हुआ था। ये वृक्ष बुद्धा के समय का मौलिक पीपल का पेड़ नहीं है। ये उस मौलिक पेड़ की जड़ से निकला 1881 ईस्वी में ब्रिटिश पुरातत्वविद द्वारा श्रीलंका से लाए गए वृक्ष की जड़ का पेड़ है। कहते हैं मौलिक या पहले वृक्ष को अशोक की पत्नी रानी तिश्य रक्षिता, जो सनातन धर्म को मानती थी, बौद्ध धर्म को नहीं, द्वेष के कारण कटवा दिया। इस स्थान पर मौलिक जड़ से निकले कई पेड़ बूढ़े हो या पानी और तूफान से नष्ट हो गए। वज्रासन ज्ञानस्थली। भगवान बुद्ध ने 623 ईस्वी पूर्व वैसाखी या पूर्णिमा के दिन यहाँ मौलिक पीपल के पेड़ अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बौद्धत्व प्राप्त किया था। बोधि वृक्ष के किनारे इस चबूतरे पर भगवान बुद्ध के चरणों के चिन्ह हैं। सम्राट अशोक ने इन्हीं बुद्ध चरणों के चिन्हों को गर्भगृह में स्थापित किया था, जिसे बंगाल के पाल वंशज के राजा महिपाल ने 1023 साल पहले यानी 990 ईस्वी में वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्थापित कर इन बुद्ध चरणों के चिन्हों को यहाँ स्थापित कर दिया। वर्षों से बोधि वृक्ष के नीचे स्थित ये स्थान भक्तों के लिए वज्रासन पूजा वंदना की प्रमुख जगह रही है। पहला सप्ताह भगवान बुद्ध ने यहीं बोधि वृक्ष के नीचे बिताया था। ये है अनिमेष लोचन नामक पवित्र स्थल।
यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष की ओर अपलक दृष्टि से देखते हुए द्वैत सत्ता व्यतीत किया था। यहाँ पर इस मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति अति आकर्षक और दर्शनीय है। हम हैं महाबोधि मंदिर के उत्तरी स्थल पर। यहाँ स्थित है चक्रमण स्थल। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ध्यान स्थित चक्रमण करते हुए तीसरा सप्ताह बिताया था। चबूतरे पर जो कमल चिन्ह आप देख रहे हैं वे उस स्थानों का संकेत करते हैं जहाँ चक्रमण करते हुए बुद्ध के चरण पड़े थे। ये रतनघर नामक स्थान है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रकृति के समुत्पाद आदि का गहन चिंतन करते हुए यहाँ चौतरवे सप्ताह व्यतीत किया था। कहते हैं यहाँ पर भगवान बुद्ध के शरीर से 5 रंग नीला, पीला, लाल, सफेद, नारंगी की रोशनी प्रकट हुई थी जो बुद्धिस्ट ध्वज का प्रतीक है। अजपाल ये वो स्थान है जहाँ निग्रोध वृक्ष अर्थात वट वृक्ष के स्थान पर भगवान बुद्ध ने 5वां सप्ताह ध्यान में बिताया। ये खंबा सम्राट अशोक ने 2300 वर्ष पूर्व वट वृक्ष के स्थान पर बनवाया था। यहाँ पर तथागत ब्राह्मण के एक प्रश्न के उत्तर में भगवान बुद्ध ने कहा था, मनुष्य धर्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। उन्होंने कहा था कर्मों से आदमी अस्पृश्य बनता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। आइए अब हम चलते हैं महाबोधि मंदिर के पश्चिम की ओर स्थित मुछलिंद नामक सरोवर पर जहां भगवान बुद्ध ने 6ठा सप्ताह ध्यान में बिताया था। ये है मुछलिंद सरोवर। यहां जब भगवान बुद्ध ध्यान अवस्था में थे तब अचानक आंधी और वर्षा आ गई। इस प्राकृतिक विपदा से नागराज विचलिंद ने भगवान बुद्ध की रक्षा की। ये नागराज विचलित की प्रतिमा जो आप देख रहे हैं वो बर्मा के राजा ने यहाँ पर प्रतिष्ठित कराई थी। सामने जो दिख रहा है उस स्थान को राजा यत्न कहते हैं। संबोधि प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने यहाँ पर 7वां सप्ताह व्यतीत किया था। यहाँ पर भगवान बुद्ध को तपस्सु और फल्गु नामक दो व्यापारियों ने मधुपिंड अर्पित किया था। भगवान बुद्ध से प्रभावित हो वो दोनों व्यापारी बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए भगवान बुद्ध की शरण में आ गए। इस प्रकार उन्हें सबसे पहले उपासक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उस समय तक फिकू संत की स्थापना न होने के कारण उन्होंने 2 शरण में दीक्षा ली और ये दोनों व्यापारी आज भगवान बुद्ध के 2 वचनीय शिष्य कहलाते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली की यात्रा समाप्त होती है और आशा करते हैं आप यहाँ फिर से सपरिवार आएंगे। पावन नगरी बोधगया में आज अनेक देशों की अपने अपने देशों को प्रतिनिधित्व करती बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं, जैसे कि भूटानीज मॉनेस्ट्री, तिब्बतीयन मॉनेस्ट्री, चाइनीज मॉनेस्ट्री, जापानीज मॉनेस्ट्री इत्यादि। इसी के साथ बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए हम भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली की यात्रा यहाँ पर संपन्न करते हैं।